Hay dosto, pehle hamari channel ko subscribe kare. Aur saath mein ghanti ke nishan ko bhi click kare, taki hamari har aane wali video aapko jal se jal mil jaye. हाय दोस्तों, आज हम आपको इजी पे से अकाउंट की इस्तेमाल की सब मालूमात आपको देती है। तो अकाउंट खोलने के बाद आपको ये आता है, इसमें है मनी ट्रांसफर, तो 1 सेंट करें। इस पर सबसे पहले जो है मोबाइल अकाउंट, इस पर है 1 नंबर। तो आप इजी पे से अकाउंट या जेस कैश किसी भी अकाउंट से मैं अपने अकाउंट से मनी को ट्रांसफर कर सकती है। फिर 2 नंबर जो है वो है क्निक यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने एजी पैसे अकाउंट से और किसी की शनाख्ती कार्ड को आप भी रुपीस ट्रांसफर कर सकती है। फिर जो है बैंक ट्रांसफर, आप अपने एजी पैसे अकाउंट से बैंक को भी रुपीस ट्रांसफर कर सकती है। फिर जो है टिल्लर बैंक ट्रांसफर, तो ये जो मी है इसमें आप टिल्लर बैंक को लिंक भी कर सकती है और यानी टिल्लर बैंक से लिंक भी कर सकते हो। और फिर जो है किसान, किसान जो तुम ट्रांसफर भी कर सकते हो बैंक को और अपने बैंक की बैलेंस भी चेक कर सकते हो। फिर जो है 2 नंबर, 2 नंबर पर लोड एंड बंडल यानी जिलोड और MB शेयर करना। इस लोड 1 पर प्रीपेड है और इसमें तुम टिल्नर जेस सॉन्ग सबको इजलोड कर सकते हो। फिर जो है पोस्ट पेड हुई भी इजलोड की तरह होती है लेकिन इनमें कोई छोटा सा फर्क है। फिर जो है 3 नंबर टिनर बंडल, इसमें तुम डेटा कॉल SMS सब को शेयर कर सकते हो नंबर पर। तो ये देखो ये डेटा, इसमें तुम किसी भी डेटा को सेलेक्ट करो और नंबर को दर्ज करो, उस नंबर को ये डेटा शेयर होगा। फिर 6 नंबर, 6 नंबर है टिनर मोबाइल ब्रॉडबैंड, इसमें तुम वाईफाई के MB शेयर कर सकते हो। और फिर जो है और 3 नंबर जो है बिल पेमेंट, इसमें तुम अपनी बिजली या टेलीफोन गैस सब बिल को अदा कर सकते हो। तो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी 1 पर क्लिक करें कि कैसे आप अदा कर सकती है। इसमें आप अपने बिल की टाइप्स यानी किस्म को सिलेक्ट करें। इसके बाद आप अपने बिल की ऊपर साइड पर जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है नाम के साथ उसको यहाँ पर सेलेक्ट करें तो आपका बिल यहाँ ले आ जाएगा। इस पर 5 नंबर पर जो है ये इंश्योरेंस यानी बीमा, इसमें तुम बीमा भी कर सकते हो। और फिर 6 नंबर ये बहुत ज़रूरी है माई अकाउंट, माई अकाउंट में आपको सबसे पहले आ जाएगा मैनेज पिन, इसमें तुम अपने अकाउंट के कोड को बदल कर सकते हो यानी या रिसेट कर सकते हो और बदल भी कर सकते हो। फिर 2 नंबर पर जो है चेक बैलेंस, इस पर तुम अपने अकाउंट की बैलेंस को चेक कर सकते हो या पर अपने अकाउंट के कोड डालकर आपको आपकी बैलेंस आ जाएगी। फिर 3 नंबर पर जो है लैंग्वेज चेंज, तुम इस पर उर्दू जबान भी लगा सकते हो। फिर 4 जो है व्यू अकाउंट डिटेल, ये अकाउंट किसके नंबर पर बना हुआ है वो नंबर आपके साथ आ जाएगा। फिर मैनेज ATM कार्ड, आप अपने अकाउंट को ATM से भी कनेक्ट करवा सकते हो। और फिर जो है इनवाइट प्रिंट, इसमें तुम अपने प्रिंट के नंबर को क्लिक दर्ज करो और फिर सेंड करो, तो वो जब अकाउंट बनाएगा 10 प्रिंट आपकी अकाउंट बना जाए
तो आपको 500 की बोनस मिलता है। आपको 500 इनाम आपकी जेपेस अकाउंट में जमा होगा। फिर जो है न्यू बैजन ही बीएसए है पहले नाइल हेल्प, तुम इस पर जेपेस अकाउंट के हेल्प भी हासिल कर सकती हो। फिर जो है फेवरेट, तुम जेपेस अकाउंट में फेवरेट को भी शामिल कर सकते हो। और फिर जो है सेवन लोन यानी सूद, तुम इस पर सूद भी हासिल कर सकते हो, मगर ये बहुत खराब काम है, इस्लाम ने इससे बहुत मना किया है। और फिर जो है नियर बाई एजेंट और इनवाइट फ्रेंड, इसके मैंने आपको पहले ही बताया है। और फिर जो है कैश बैक ऑफर, इसमें आप अगर 1000 रुपये बरकरार रखे तो आपको रोज़ाना 10 कैश बैक मिल जाएगा। तो आप वन पर ये मालूम कर सकते हो कि आप कितने कैश बैक हासिल करता हो। तो मैंने इसी पर कैश बैक हासिल किया। और मैं आपको ये लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि कैसे आप रिटायर यानी स्लॉट की दुकान से अपनी इजी पैसे अकाउंट को रुपए बेच सकते हैं। तो आप अगर चाहे कि हम अपनी इजी पैसे अकाउंट को बेचता है तो उसको कहो कि हमारे इजी पैसे अकाउंट में ये रुपए डाल दीजिए, तो आपकी इजी पैसे अकाउंट में वो रुपए बेच देगा। शुक्रिया।